हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी अभी मैं सो के सुबह उठी हूँ और मेरा सब ब्रश वगैरह सब हो गया है। अब मैं जाऊँगी वॉकिंग के लिए, तो वॉकिंग पे थोड़ी देर में जाऊँगी, तो सोचा है अभी मैं पी लेती हूँ। ये गर्म पानी है और इसमें मैं पीऊँगी नींबू डाल के। आप कुछ भी वाटर पी सकते हैं ना, अगर आपको जीरा पसंद है जीरा ले सकते हैं मॉर्निंग में, या फिर अगर आंवला जूस पीते हैं तो आंवला भी ले सकते हैं। अब मैं देखिए, मैं बदल बदल के हर चीज़ पीती हूँ, एक ही चीज़ नहीं करती। कभी मेरा मन पे है, कभी मैंने ये शहद लेमन जैसे ले लिया, या फिर जीरा वाटर ले लिया, या फिर सौंफ का पानी हो गया, कुछ भी, मतलब हेल्थ ड्रिंक्स या वेट लॉस ड्रिंक जो भी आप पीते होंगे, वो मैं मॉर्निंग में ही इसको बदल बदल के अपना लेती रहती हूँ। तो अभी मैं इसको इंजॉय करती हूँ ड्रिंक को, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे वॉकिंग पे। वॉकिंग पे आने के बाद मैं, क्योंकि आज एकादशी है, मेरा व्रत भी है, तो जल्दी फटाफट से मुझे सारे काम निपटाने हैं गाइज। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैं वॉकिंग करके आ गई हूँ और मैं वॉकिंग करने के जाने से पहले ही मैं एक बनाना अपना मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लग जाता है वॉकिंग करने में। उसके बाद मैं अपना आती हूँ, चाय वगैरह थोड़ा पी लेती हूँ। सुबह की चाय मुझे आदत हो गई है तो वो छूटती नहीं है, तो चाय मैंने पिया है। चाय पीने के बाद में अपना जो भी आप ड्राई फ्रूट्स अगर खा सकते हो तो खा लीजिए, नहीं तो आप नहाने के बाद में भी उसको आप खा सकते हैं। तो ये मैं अपना देखिए, मैं अब झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ ताकि घर को मैं डस्टिंग वगैरह मैं कर दिया है मैंने। अब मैं सिर्फ सोचा डस्टिंग हो गई थी, झाड़ू लग जाएगा अच्छे से, इसके बाद फिर मैं पोछा लगा लूँगी, फिर फटाफट से मैं नहाने भी चली जाऊँगी। तो अच्छे से पूरे घर को मैं पहले झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। 7:30 बज रहा होगा, तो झाड़ू वगैरह लगा के अब मैं इसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा। देखिए गाइस, काम को भी अच्छे दिल से तरीके से आप लोग को करना चाहिए। अगर जितना आप सुबह मॉर्निंग में अपने काम निपटा लेंगे फ्रेंड्स, तो आपका काम भी उतना जल्दी आसानी से निपट जाता है। तो ये देखिए मैंने कर लिया है, अब मैं कर रही हूँ मोपिंग। मैं पूरे घर को पहले मैंने देखा, अपने झाड़ू लगाया, अब मैं पोछा लगा रही हूँ। अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लास अभी 9 बजे से या 9:30 बजे से स्टार्ट होती है कभी। और रात में मेरे बेटे ने देखिए होमवर्क करा था, उसका बैग यहीं पड़ा हुआ है, तो अभी मैं सब उसको मैं ठीक करूँगी पूरा। अभी सोफ़ा वगैरह सब सरियाऊँगी, उसके बाद जो भी मैंने घर को जो मेंटेन करना रहता है, मैं ये झाड़ू लगाने के बात करती हूँ या पोछा लगाने के बाद, जैसा भी मेरा मन करता है उसके हिसाब से मैं पूरे घर को पहले मेंटेन कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। मैं पूरे घर को फिर नहाने के बाद में फिर मुझे भूख लगती है, फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो इसलिए इतना जल्दी टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए झाड़ू पोछा करने से पहले मैं अच्छे से पूरे घर को क्लीन करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, इसके घर को मैं अरेंज करती हूँ। तो ये देखिए, बस वही सोफ़ा वगैरह मैं ठीक कर रही थी, और ठीक करके फटाफट से जो बैग वगैरह मेरे बेटे ने फैला रखा था उसको ठीक करके उसको मैं अपनी जगह उसको उसकी जगह पे रख के मैं अब जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद देखिए मेरा पूजा पाठ, देखिए गाइस मैं पूजा पाठ बिल्कुल सिंपल तरीके से करती हूँ। जैसे जिसकी संस्कृति रहती है, जैसा जिसके घर का रीति रिवाज रहता है, उसके हिसाब से ही कहते हैं करना चाहिए। कहते हैं गाइस, जैसी श्रद्धा जितनी उतनी भक्ति, क्योंकि भगवान से आपकी श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। तो मैं सबसे पहले वही सूर्य भगवान को मैं जल अर्पण करती हूँ सुबह। जल अर्पण करने के बाद मैं सुबह की आरती में करती हूँ। तो ये मैंने पूजा पाठ मैंने अपने रूटीन के हिसाब से मैंने कंप्लीट कर लिया है, और भगवान को मैं अच्छे से कर रही हूँ मैं पूजा पाठ। और आपके घर का जो भी नियम है गाइस, देखिए नियम सबके घर का अलग होता है, किसी के कोई नियम रहता है, किसी के कोई नियम रहता है, तो इस चीज़ को कभी कोई जोड़ नहीं सकता कि क्या किसको कैसे करना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप पूजा पाठ अपनी कर सकते हैं। तो अब वही मैं भगवान को मैं धूप वगैरह दिखा रही हूँ। धूप वगैरह दिखाने के बाद मैं भगवान की मैं आरती करूँगी। तो आरती कर इसको जब मैं अगरबत्ती धूप दिखाने के बाद आरती करूँगी अब यहाँ पे, और सब जगह दिखा देती हूँ, पूरे घर में भी मैं दिया बत्ती दिखा देती हूँ। धूप वगैरह है ना, पूरे घर में मैं अच्छे से पूरा घुमा देती हूँ, घर में रूम में जहाँ जहाँ जैसा होता है वैसा वैसा मैं पूरा दिखा देती हूँ। जग माता सूर्य चंद्रमा द्यावद नारद ऋषि गाता ओम।
देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूजा पाठ हो गया है। अब मैं अपने बेटे मेरा उठ गया है, उसके लिए मैंने ये सुबह मॉर्निंग में चाय बिस्किट बनाया है। इसके बाद देन में उसका मैगी या सैंडविच जो वो कहेगा मैं उसके हिसाब से उसका ब्रेकफास्ट में बना दूँगी। अभी मॉर्निंग में वो चाय बिस्किट ही खाता है। मैंने देखिए अपने व्रत के हिसाब से मैंने मूँगफली और ये मखाना मैंने इसको देसी घी में अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको ही इंजॉय करूँगी, ब्रेकफास्ट में लूँगी चाय है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मुझे चाय चाहिए रहता है, तो इसीलिए मैं इसके साथ चाय एंजॉय करूँगी। और देखिए आज फास्ट भी है, तो आज एकादशी का फास्ट है, तो मैं चावल आई थिंक सो मैं नहीं बनाऊँगी, और अपने बच्चों के लिए कुछ भी मैं देखती हूँ कुछ भी ऐसा चीज़ें बना दूँगी जो जिसमें चावल ना रहे। एकादशी में अवॉइड करती हूँ मैं जितना हो सके अपने फैमिली मेम्बर्स को चावल ना खिलाना पड़े, तो मैं ये बस इसको मैं जा रही हूँ इसको खाने। और खा के मैं जी देखिए अभी मुझे कपड़े भी फोल्ड करने हैं, और इसके बाद मुझे शायद मार्केट भी जाना पड़े सब्जी लेने के लिए। और इसके बाद मैं अपने लिए दोपहर में लौकी का जो घिया बोलते हैं उसका मैं खीर बनाऊंगी, बस और कुछ नहीं बनाऊंगी। और बच्चों के लिए लंच में देखती हूँ मैं क्या बनाना है, उन लोग के लिए देखती हूँ पनीर पराठा बना दूंगी, वो लोग खा लेगा, और मैं अपने लिए लौकी का खीर बना लूंगी। तो यही सब है, देखिए घर के काम कभी ज़्यादा कभी कम लगे रहते हैं, कभी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, कभी कोई चीज़ें घट जाती हैं, तो इस तरह से रूटीन मेरा चलता रहता है। चलिए मैं थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ गाइस। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं तैयार भी हो गई हूँ, मतलब जो मेरा जो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है मैंने कंप्लीट कर लिया है, और मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया है, टॉप फाइव डे क्रीम है विद सनस्क्रीन। प्लीज़ गाइस इसको आप ज़रूर देखिएगा, ये कल ये वीडियो आएगा, कल आप ज़रूर इसको देखिएगा, बहुत अच्छा हेल्प आपको लगेगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। एक मैंने वीडियो अपलोड किया था गाइस फ्रूट रायता कैसे बनाएं, उसको भी आप देखिएगा। गर्मियों के मौसम में खाने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन ये फूड रहता है, एक बार ज़रूर आप देखिएगा। ये मैं कपड़े वगैरह जो फोल्ड कर रही हूँ धुलने के बाद कपड़े जो सूख जाते हैं उनको, या फिर कभी अलमारी में से निकाल के हम लोग पहन के ऐसे ही रख देते हैं साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह, उसको मैं फ़ोल्ड करूँगी। और डेली बेसिस पे जो मैं कपड़े धोती हूँ उसको भी मैं हस्बैंड के बच्चों के कपड़े सबको फ़ोल्ड करके उनकी जगहों पर मैं रख देती हूँ। फिर सुबह के जो भी सामान यहाँ वहाँ जो फैले रहते हैं जैसे हस्बैंड के बच्चों के, उन सबको मैं अपनी जगह पे उसको रखना, चादर वगैरह या कंबल वगैरह को तह लगाना, जो भी इधर उधर सामान रहते हैं या डस्टिंग करना, शीशे वगैरह पोछना, जो भी मेरा ये सब काम रहता है, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद छोटे मोटे काम जो मुझे दिख जाते हैं कि हाँ इसको करना है इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। साथ में अपने बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस को भी देखना, उनके होमवर्क कराना, ये सब मेरा डेली रूटीन में सब गाइस शामिल रहता है, इसको मैं पूरी तरीके से मैं इसको कंप्लीट करती रहती हूँ। देखिए गाइस, मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, और मुझे सब्जी लेना, जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था मुझे सब्जी लेना है, आई थिंक कोकोनट वाटर लूँगी, और अपने लिए खीर बनाना होगा तो मैं घिया लूँगी, और आलू और प्याज वगैरह जो भी देखती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ मार्केट जो होता है ना मेरे बस नीचे ही मिलता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, तो जैसी ताज़ी सब्जियाँ जब भी खाने का मन हो या जो खाने का मन होता है वो जाके मैं दो दिन के बाद मैं अक्सर लेके चली आती हूँ। और समय में आता क्या खाने का मन है, पता चला कि आज ये मन है नहीं मन है, तो इसीलिए समय में आता है, इसीलिए मुझे हिसाब से मैं डेली जाती हूँ लेके चली आती हूँ, और ये बगल में ही मिलता है। चलिए मैं मार्केट से आके मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ, उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं मार्केट से आ गई हूँ, मुझे टमाटर इतने अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मिले, मैं टमाटर ले लिया, मैंने मेरे पास में कर्ड ख़त्म था, कर्ड ले लिया, और घिया आपको मैंने बताया था कि घिया की खीर बनाना है, तो घिया लौकी जिसको कहते हैं वो ले लिया, टमाटर मुझे बहुत प्यारे लगेगा, मेरे टमाटर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़े आलू प्याज ख़त्म हो गए थे तो मैंने वो आलू प्याज भी ले लिए, तो उसको मैं लेकर चली आई, क्योंकि व्रत में थोड़ा आलू वगैरह मैं फ्राई कर लेती हूँ कभी कभी खाने के लिए, और डेली भी खाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, तो यही सब मैंने लिया। बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे फ्रेश फ्रेश देखिए ऑनियन पोटैटो थे। गाइस मैं आ गई हूँ मार्केट से, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, और मैं अपना ये फ्रूट पपाया खा रही हूँ, बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए लंच करते हुए, तो बस वही आफ्टरनून अपने फास्टिंग वाले जो होते हैं वो मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए, ब्रेक आफ्टरनून के जो लंच है वो
वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद वही बर्तन धोना वगैरह है। और एक बात और शेयर करनी है गाइस कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आई थिंक सो कल जाएगा आपके पास में। टॉप 5 फेयरनेस डे क्रीम है विद सनस्क्रीन है, जरूर जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा गाइस, और बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिलेगा कि क्या चीज़ हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग मेरा वीडियो अच्छा लगे जरा सभी तक, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, कभी किसी के साथ देखा देखी कोई काम नहीं करना है, अपने हिसाब से अपने तरीके से आपको काम करना है। बाय बाय।